नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व एड्स दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, आम लोगों को संक्रमण से बचाव की दी गई जानकारी। भागलपुर पहुंचे कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों के लिए जानकारी दिए कई निर्देश। नगर निकाय चुनाव 2022 के तारीखों का हुआ ऐलान, दिसंबर में दो चरणों में होगा मतदान। और ठंड बढ़ते ही चोरी की घटनाओं में हुई वृद्धि, एक ही रात दो घरों में भीषण चोरी। अब खबरें विस्तार से। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2016 में HIV संक्रमितों की संख्या 29,715 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 76,000 के करीब पहुँच गई है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में HIV के प्रति लोगों में जागरूकता भी आई है। वही गुरुवार को विश्व एड्स दिवस के मौके पर सदर अस्पताल परिसर से नर्सिंग के छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद रैली शहर के घंटाघर, आदमपुर और नगर निगम कार्यालय होते हुए अस्पताल परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नर्सिंग के छात्राओं ने आम लोगों से HIV के प्रति जागरूक रहने की अपील की। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि एड्स से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखे, साथ ही मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई गई सिरिंज एवं सुई का प्रयोग बिल्कुल ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि एड्स संक्रमितों से हाथ मिलाने, एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ उठने बैठने या मरीज को गले लगाने से नहीं फैलता है। ये अभी एड्स सप्ताह HIV सप्ताह मनाया जा रहा है, 25 से लेकर आज अंतिम दिन है, तो इसमें ये लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और PSC स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया है। वहाँ भी कार्यक्रम वहाँ कुछ जांच कार्यक्रम चलाए गए हैं और ये मेन उद्देश्य है कि इसके प्रति जागरूक लोगों किया जाए। और जहाँ तक बात है, पहले से तो काफ़ी जागरूकता आई है और कम भी केसेस भी कम हुए हैं। जिस तरह पहले बढ़ रहा था, हम लोग सुनते थे, अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक, अब लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोगों को आशा है कि ये अब धीरे धीरे ये रोग खत्म होगा। बिहार सरकार में कृषि मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री कुमार सरबजीत की अध्यक्षता में गुरुवार को समीक्षा भवन में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सरकारी योजनाओं के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। वहीं समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित जिले के अधिकारी से मंत्री ने विकास कार्य से संबंधित जानकारी ली, जबकि समीक्षा बैठक में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में किसानों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों को सूची के साथ ऐसे किसानों की भी जानकारी कृषि मंत्री ने ली जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से पीछे रह गए हैं, जिसके बाद योजनाओं का लाभ सभी किसानों को जल्द दिलाने की बात मंत्री ने कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को सफल बनाने के लिए मंत्री ने कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिया। इस दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह समेत कई संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सूबे के कृषि मंत्री से भागलपुर के प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। साथ ही मंत्री ने कहा कि जल्द ही कृषि विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए बहाली निकाली जाएगी। मंत्री ने कहा कि जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया गया है। प्रभारी मंत्री के हैसियत से आज विभागीय समीक्षा की गई, जिसमें केंद्र से संचालित योजनाएं और बिहार से संचालित जो योजनाएं होती है सबकी बैठ के, ये सामान्य प्रक्रिया है, सभी पूरे बिहार के सभी जिले में होते हैं, और एक एक योजना का डेटा के साथ उसकी जांच पड़ताल होती है कि कौन कौन सी काम आती है, और जो शिकायतें होती हैं इसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक सब लोग होते हैं और सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं, और जो तत्काल दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है उसमें जिलाधिकारी महोदय अपना दिशा निर्देश देते हैं, और
ज़्यादातर ये जो बैठकें में विकास के मामला आती है कि और कहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कहाँ पे विकास बाधित है, कहाँ पे सड़कें नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें पर चर्चा होती है। और प्रभारी मंत्री के हैसियत से हम लोग जानकारी लेते हैं और लेने के बाद जो पत्र प्राप्त होते हैं वो हम लोग विभागीय बार हम लोग भी लिखते हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से भी जाता है। तो आज बैठक हुई है और बैठक में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मुझे दिखा है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार के शाम पत्र जारी कर नगर निकाय आम चुनाव 2022 को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर चुनाव आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दो चरणों में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने को कहा गया है। नए आदेश के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान और 20 दिसंबर को मतगणना होगी, जबकि 28 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान एवं 30 दिसंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार भागलपुर नगर निगम, सबौर नगर पंचायत और हबीपुर नगर पंचायत में मतदान दूसरे चरण में 28 दिसंबर को होगा, जबकि 30 दिसंबर को मतगणना के साथ ही सितंबर माह से ही राज्य में लगा आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा के कार्यालय से जारी किए गए आदेश में तय समय सीमा में चुनाव संपन्न कराने के साथ पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनाव कार्य संपन्न कराने की बात कही गई है, जबकि 224 नगर पालिका के निर्वाचन के लिए मतदान और मतगणना की निर्धारित प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। इसके अलावा नामांकन और समीक्षा के बाद जारी किए गए चुनाव प्रतीक चिन्ह पर ही मतदान संपन्न कराने की बात कही गई है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बात फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। एक ओर जहां बिना डेस्क बेंच वाले स्कूल और जर्जर भवन की समस्या से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं कई स्कूलों के ही एक ही रूम में एक साथ तीन कक्षा की पढ़ाई होती है, जो सरकारी दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत मध्य विद्यालय बनसप्ती में जहाँ 550 बच्चों का नामांकन है, लेकिन स्कूल में महज 4 कमरा ही उपलब्ध है। आलम यह है कि इस स्कूल में नामांकित अलग अलग कक्षा के सभी बच्चों के अलग से क्लासरूम नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय के जर्जर भवन के अलावा यहां शुद्ध पेयजल एवं शौचालय का भी कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण बच्चों को पानी पीने के लिए घर जाना पड़ता है। देखा जाए तो इस स्कूल में बच्चे एक तरह से खतरों के साथ खुले आसमान और अव्यवस्थाओं के माहौल में यहाँ पढ़ने को विवश है, जिससे नौनिहालों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य की कल्पना भी बेमानी सी लगती है। वहीं इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में सरकारी सुविधाओं से बच्चे वंचित हो रहे हैं और जर्जर भवन के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इधर स्कूल के छात्रों का कहना है कि सुविधा के नाम पर विद्यालय में सिर्फ बच्चों को ठगा जा रहा है। हालांकि इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिले में जर्जर भवन वाले स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर कार्य किया जाएगा। ये छत जो है टूटा हुआ, वो उससे गिरने बारिश आती है तो छूता है और हमारे को दिक्कत होती है पढ़ने में। 4 ही रूम है और 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और 4 क्लास की ज़रूरत है। बहुत तकलीफ है पढ़ने में, कैमरा जब तक नहीं होगा स्कूल बच्चे सब पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ बाहर में कब तक पढ़ेंगे, ज़्यादा का सीजन रह गया। अब तो कैमरा बनाना ज़रूरी है, बच्चे 500 से अधिक हो गए बच्चे, और यहाँ स्कूल का 5 कमरा है, कैसे कमरा की कैसे स्कूल में कंजेशन हो सकता है सर। इसलिए मेरा अपील है
कि कम से कम पूरा तरफ जो है कमरा 4 कमरा बन जाना चाहिए। नवगछिया प्रवक्ता थाना क्षेत्र के मदहतपुर गांव के नया टोला पुनामा प्रताप नगर में 2 घरों से अज्ञात चोरों द्वारा करीब 4 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, नकदी एवं कीमती सामानों की चोरी कर ली गई। घटना को लेकर पीड़ित नागो सिंह ने बताया कि वे अपने घर में अकेले सोए हुए थे, तभी देर रात चोरों ने उसके घर के सभी कमरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि उनके पुत्र गुड्डू के साली की शादी होने वाली थी, जिसके कारण घर में 1.5 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपये नकद रखे थे, जिसकी चोरों ने चोरी कर ली, जबकि कुछ कीमती कपड़े और कीमती सामानों को भी चोरों ने उड़ा लिया। वहीं पीड़ित अवकाश प्राप्त शिक्षक महेश पंडित ने बताया कि उनके घर से चोरों ने 1 लाख से अधिक का जेवरात समेत 36,000 नकद रुपए की चोरी कर चोर फरार हो गए। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि घटना के वक्त वे लोग अलग अलग कमरे में सोए हुए थे और चोरों ने सभी कमरों का दरवाजा भी बाहर से बंद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद प्रवक्ता थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संदर्भ में पीड़ितों से पूछताछ की। हालांकि पीड़ितों द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं लगातार हो रही चोरी की घटना से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। आइए यहाँ हम सोते हैं, यहाँ पर भीतर से हम लगा देते हैं, आया किवार कुंड भी यहाँ लगा दिया, हम लोग ले जा रहे हैं, यहाँ लगा दिया। जेवर में था बाली था, 2 गो टॉप था यार, वो पायल था 6-7 गो, बच्चा को भी था और मठिया भी था 10-15 गो। बच्चा पैसे वैसे भी थे क्या? हाँ, बच्चा को भाभी को भी कैश था। कितना कैश था? कैश था उसको 4-5 हजार के लगभग में था। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व एड्स दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, आम लोगों को संक्रमण से बचाव की दी गई जानकारी। भागलपुर पहुंचे कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों के लिए जानकारी दिए कई निर्देश। नगर निकाय चुनाव 2022 के तारीखों का हुआ ऐलान, दिसंबर में 2 चरणों में होगा मतदान। और ठंड बढ़ते ही चोरी की घटनाओं में हुई वृद्धि, एक ही रात 2 घरों में भीषण चोरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।